महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान सामने आया है और कहा है उन्होंने विधायकों से कि बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता है, तो एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की सरकार नहीं बन सकती है। इसके साथ ही उनका कहना था कि अगर बन भी गई तो 6 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगी, इससे निश्चिंत रहिए सरकार बीजेपी की ही बनेगी, वही समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में जाकर मौसम की मार झेल रहे किसानों की रिपोर्ट तैयार करने और उनको हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिनका बयान यहां पर सामने आया है और सीधे तौर पर अपने विधायकों को निश्चिंत रहने का आदेश यहां पर दिया है और कहा है कि आप निश्चिंत रहिए और आप तैयार रहिए सरकार बनाने को, लेकिन फिलहाल जिस तरह से किसान मौसम की मार को झेल रहे हैं, नुकसान उनका हो रहा है, उसको लेकर आप उनके साथ सीधे संपर्क बनाएं और कोशिश हो तो हर संभव मदद भी उनकी की जाए। तो ये निर्देश फिलहाल अपने विधायकों को देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं और कहा है कि बीजेपी के बगैर महाराष्ट्र में कोई सरकार बन ही नहीं सकती है और अगर मान ली जाए बन भी गई तो वो 6 महीने से ज्यादा टिक भी नहीं पाएगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और तैयार रहिए, ग्राउंड पर रहिए और पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाइए और एक अच्छा संपर्क बनाने की कोशिश करिए। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान उस प्रक्षेप में आया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो फॉर्मूला है सरकार बनाने को लेकर, कहा जा रहा है कि वो फॉर्मूला तय कर लिया गया है और तय ये हुआ है कि मुख्यमंत्री होगा शिवसेना का, लेकिन 2 डिप्टी सीएम होंगे जो कि एनसीपी और कांग्रेस के होंगे। इसके साथ ही यहां पर कहा जा रहा है कि शिवसेना से 14, एनसीपी से 14 और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे। तो ये फॉर्मूला शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में तय किया गया है।